मिश्रा जी, आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली दो क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। एक तो हमने ये देखा था कि पंचायती राज व्यवस्था जो आज जिस रूप में दिखाई पड़ रही है उसके विकास में कौन कौन सी कमिटीज ने अपना योगदान दिया और 73वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति क्या रही। इसके अलावा 73वें संविधान संशोधन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किए गए थे उनको भी विस्तृत रूप से हमने पिछली क्लास में देख लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जब 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर नागौर में यानी राजस्थान के नागौर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, उसी परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश में भी प्रयास शुरू हो गए। तो 1962 में एक काशी प्रसाद पांडे समिति बनी थी, केपी पांडे, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि मध्य प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था जो है एक अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर इसी में संशोधन होता रहा, 1981 में भी हुआ, मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश जारी किया गया, फिर 1990 में मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम लाया गया। लेकिन असल में जो बात हम यहाँ पर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में, वो है 73वें संविधान संशोधन के बाद की स्थिति की। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जितने भी राज्य हैं और जहां जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई उनमें 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। तो पहली बात तो यही इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद मध्य प्रदेश जो है उन राज्यों में शामिल है जहां पर सबसे पहले उस आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए, इन्होंने राज्य स्तर पर, अब राज्य स्तर पर जो है कानून को उन्होंने पारित किया, जो गाइडलाइन 73वें संविधान संशोधन में बनाया गया था उसी आधार पर ये जो है राज्य की विधानसभा में भी एक पूरा विधेयक बनाया गया, कानून बनाया गया और उसके आधार पर फिर सारी व्यवस्था लागू की गई। तो जो संविधान के संशोधन हम लोगों ने पढ़े हैं उसके आधार पर ही हम पूरा देखेंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में उसे इम्प्लीमेंट किया गया। और एक बात और ध्यान रखने का है, जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पंचायती राज और पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो गया और अर्बन एरियाज के लिए क्या हो गया, नगरीय स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये जो स्थानीय स्वशासन जिनको हम कहते हैं ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होने के कारण स्टेट लिस्ट में जब आप देखेंगे ना सूची में, तो एंट्री नंबर 5 पर स्थानीय स्वशासन लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 5 पर। तो आप जब देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन जो है, अब राज्यों को भी अधिकार देना पड़ेगा, तो राज्यों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप और अपनी सुविधाओं के अनुरूप जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझते हुए बहुत सारे प्रावधान किए। तो वही प्रावधान हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में यहां पर देखना है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक जो है उसका नाम इस तरह से रखा गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को मिली, जो गवर्नर का कंसेंट है वो मिला 24 जनवरी 1994 में, और मध्य प्रदेश के गजट में ये पब्लिश हुआ 25 जनवरी 1994 को। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपको कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो मध्य प्रदेश गजट में पब्लिश हुआ उसी डेट को आप ध्यान रखिए, 25 जनवरी 1994 को ये लागू हो गया।
क्या प्रावधान किए गए। तो प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर ही कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखिए एक प्रावधान था 243A, जिसमें ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिया गया, जो ग्राम सभा था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। और 243B में यह व्यवस्था की गई कि थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी, देयर विल बी थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, थ्री स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को समझते हैं। जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी तब तो ग्राम पंचायतों की संख्या कम रही होगी, लेकिन वर्तमान में देखिए लगभग 23,006 ग्राम पंचायत हैं, 23,006 लगभग है ना, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको कि 23,006 जो है ग्राम पंचायत है। अब ये जो व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन के मुताबिक 243A और 243B, तो 243B क्या कहता है, 243B कहता है कि थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था होगी। थ्री टायर का मतलब क्या होगा, ग्राम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक। दूसरा जनपद स्तर पर होगा, यानी कि ब्लॉक स्तर पर होगा जनपद पंचायत, ठीक है, दो हो गए जनपद पंचायत। और तीसरा जिला स्तर पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में जब देखेंगे तो पहले तो ये देख लिया कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है, तो लगभग 23,006 ग्राम पंचायत है। और जब ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो पहले ही आपको बताया 243A में क्या है, ग्राम सभा का प्रावधान है। क्या है ये ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा एक वो असेंबली है, वो एक व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप ऑफ द पीपल, किन व्यक्तियों का समूह है, तो वो सारे लोग जो ग्राम पंचायत में पंजीकृत मतदाता के रूप में, पंजीकृत मतदाता के रूप में वोटर लिस्ट में, यानी निर्वाचक निर्वाचन की जो सूची है उसमें नाम उनका दर्ज है। तो ग्राम पंचायत के भीतर उन लोगों का समूह जिनका नाम निर्वाचक नामावली में वोटर लिस्ट में वोटर के रूप में नाम दर्ज है, उन लोगों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम सभा कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम सभा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और देखिए इनको पावर भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की एक विशेषता यह है कि ग्राम सभा को काफी अधिकार दिए गए हैं निर्णय लेने के, कई मुद्दों पर विषय पर निर्णय ले सकते हैं। इनकी जो मीटिंग है ना ये साल में चार बार करने का प्रावधान है, कब कब, तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में। तो सीधे तौर पे बोलते हैं कि चार बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए और साथ ही साथ एक बार once in the year ग्राम पंचायत की बैठक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, मतलब इलेक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि इलेक्शन कैसे करते हैं। देखिए इलेक्शन के संबंध में प्रावधान कहाँ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें 243C जो है ना उसमें ये बताया गया है कि गठन कैसे होगा, पंचायतों का गठन कैसे होगा, निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, इलेक्ट कैसे करेंगे। और अलग से भी एक आर्टिकल है 243K 243K, उसमें ऑलरेडी स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है राज्य निर्वाचन आयोग है, वो राज्य पंचायतों के चुनाव, जनपद पंचायतों के चुनाव और जिला पंचायतों के चुनावों की पूरी व्यवस्था देखेंगे, करवाएंगे, ये उनका काम है। अब बात ये है कि ये चुनाव होता कैसे है, तो देखिए जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा आपने समझ लिया कि भाई पंचायत के भीतर उन लोगों का समूह जो कि निर्वाचक नामावली में जिनका नाम दर्ज है वो सब ग्राम सभा हो गया। ग्राम सभा में जो है ये चुनाव ऐसे होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और दो तरह के लोग चुने जाते हैं, एक होते हैं पंच
और दूसरे होते हैं सरपंच, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब लोग जो है जाकर के वोट डालते हैं कि भैया ये हमारे एरिया का पंच होगा और ये हमारे पूरे पंचायत का सरपंच होगा। सरपंच एक ही होगा, पंच कई हो सकते हैं। अब ये पंच कहां से आएंगे, तो देखिए पंच के लिए प्रावधान है। पंच के लिए प्रावधान क्या रहता है कि जो ग्राम पंचायत है ना हमारी, उसको ग्राम पंचायत को हम लोग थोड़ा बांट देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में कई गांव हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 गांव, छोटे छोटे गांव हो सकते हैं ग्राम पंचायत में। तो उन गांव को जो है उनकी संख्या नॉट लेस देन 10 होनी चाहिए, 10 से कम वार्ड नहीं होंगे। 10 से कम वार्ड मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मतलब जहां से पंच चुने जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, जहां से पंच चुने जाएंगे, तो इनकी संख्या कितनी, 10 से कम नहीं होनी चाहिए और नॉट एक्सीडेड 20, 20 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। यानी एक ग्राम पंचायत के भीतर कम से कम 10 पंच हो सकते हैं, अधिक से अधिक 20 पंच हो सकते हैं, जो कि डायरेक्ट यानी कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाएंगे, हु विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पब्लिक। और वो वोट कौन डालेंगे, तो वही लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा और जिनको मिला करके हम ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई कि जो पंचायत का चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, वो पंचायत के चुनाव में पंच और सरपंच चुने जाएंगे। पंच कई हो सकते हैं, जो एक पंचायत में 10 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, और सरपंच जो है वो एक ही होंगे, और इस तरह से पंच और सरपंच के चुने जाने की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। हाँ, एक पद और होता है जिसको बोलते हैं उप सरपंच, लेकिन उप सरपंच प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। उप सरपंच जो चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे हुआ, इनडायरेक्टली ऐसे हुआ कि जैसे भी जितने भी पंच हैं, जैसे उस ग्राम पंचायत में जितने भी पंच हैं, वो आपस में से किसी एक व्यक्ति को उप सरपंच चुन लेंगे। तो यहां पर डायरेक्टली जनता ने तो नहीं चुना, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। तो पंच और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और एक चीज देखते हैं, ड्यूरेशन क्या होगा, तो ड्यूरेशन विल बी 5 ईयर, 5 साल का इनका कार्यकाल है। जो पंचायत का हम चुनाव करेंगे उसका 5 साल का टेन्यूर रहेगा, और 5 साल का टेन्यूर मतलब क्या हुआ कि जैसे 5 साल खत्म होने वाला होगा, उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग जो है 6 महीने के भीतर ही चुनाव करा के फ्रेश जो है नया जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन कर सकती है, संविधान में प्रावधान किया गया है। तो आप यहां तक समझ गए कि ग्राम सभा क्या होता है। हाँ, एक चीज और, ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, उसमें कोरम का भी प्रावधान रहता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कोरम आल्सो। कोरम क्या होता है, न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर, जिनके होने के बाद ही ग्राम सभा कोई निर्णय लेगी। तो ये देखिए, ये कोरम में ये व्यवस्था की गई है, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा में जितनी जितनी संख्या है, कम से कम 1/10 लोगों को जरूर आना चाहिए मीटिंग में। 1/10, मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 1000 लोग हैं, तो कम से कम 100 लोग मीटिंग में आने चाहिए, तभी आप कोई निर्णय ले सकते हैं या मीटिंग प्रोसीड कर सकते हैं। मीटिंग की जो अध्यक्षता होती है ना ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत हुआ या ग्राम सभा हुआ, तो उस सरपंच करते हैं। अगर सरपंच नहीं होंगे तो उप सरपंच करेंगे, और उप सरपंच भी नहीं होंगे तो पंच में से जो भी सीनियर व्यक्ति होंगे वो उसमें करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं लोकसभा का भी जैसे प्रोसेस होता है, उसी तरह का ये निचले स्तर पर प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब एक लोगों को ये चिंता रहती कि भाई इसमें मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है, इसकी एक बड़ी विशेषता है, एक तो कॉल बैक की, यानी कि वापस बुलाना कैंडिडेट्स को, वापस बुलाना, और दूसरी विशेषता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। पहले देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना है तो कैसे लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगेंस्ट पंच एंड उप सरपंच। अगर आपको पंच और उप सरपंच के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है, तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी नॉट लेस देन 3
बाय फोर्थ पंच प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए पंच या उप सरपंच अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, या उनके खिलाफ जो पंच हैं उनमें बहुत ज्यादा उनका विरोध है, है ना। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था होती है ना, इसका चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, इस पॉलिटिकल पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तौर पर ये राजनीतिक जो है पॉलिटिकल पार्टी के हस्तक्षेप के आधार पर यह चुनाव नहीं होता। लेकिन फिर भी इसमें प्रावधान किया गया, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में कैसे कैसे लाएंगे, तो अगर मान लीजिए कोई पंच या उप सरपंच, कोई सरपंच या उप सरपंच अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको हटाना है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए तरीका यह रहता है कि उनका जो जितने भी पंच होंगे वो जिस दिन वोटिंग होगी ना, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जब लाया जाता है और वोटिंग होती है, तो 3/4 पंच जो है वो उसके अगेंस्ट वोट करेंगे, 3/4 यानी जितनी संख्या है उसके 3/4, और ये 3/4 जो है ये 2/3 ऑफ टोटल नंबर पंच से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वो जो संख्या होगी ना वो टोटल पंच के 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके अगर किसी सरपंच या उप सरपंच को अगर हटाना हो तो क्या कंडीशन हुई, एक चीज तो ये हो गई कि भाई जो पंच हैं उनकी जितनी संख्या है उसमें जिस दिन वोटिंग हो रही है उस वोटिंग के दिन इतने लोग उपस्थित होने चाहिए, और जितने लोग उपस्थित हैं उनका 3/4 अगेंस्ट में जाना चाहिए, और वो 3/4 जो है वो 3/4 कुल संख्या के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए ना बात, इस तरह से ये कंडीशन बनती है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। लेकिन भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कभी भी ले आएंगे, नहीं, इसके पीछे भी जो है एक कंडीशन दी हुई, भाई देखिए 2.5 साल कम से कम काम करने का मौका दीजिए, मतलब आधा समय कम से कम 5 साल में से 2.5 साल, तो 2.5 साल के बाद आप ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी ब्रॉट आफ्टर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के बाद ला सकते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखना होता है, दूसरी चीज ये कि मान लीजिए अब 5 साल का समय पूरा होने वाला है और केवल 6 महीने 4 महीने का टाइम बचा है, तो उसमें भी नो कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन ये होता है, मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, 2 महीने पहले लाया और फिर दोबारा ले आया, तो वैसा भी नहीं करना है, कम से कम 6 महीने के भीतर आप दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते अगर पिछले बार नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो पाया है तो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन मैंने बताया आपको, ऐसे लिखा यहां पर एक ही है 2.5 साल का, तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। देखिए पहली कंडीशन 2.5 साल का समय पूरा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन जो 5 साल का समय पूरा होने वाला है उसमें 6 महीने के भीतर का ही समय बचा हुआ है तो भी लाने की जरूरत नहीं है, और तीसरी कंडीशन ये बताया कि विद इन 6 मंथ अगर पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा चुका है और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर गया है तो फिर आप दोबारा मत लाइए। ठीक, इसके अलावा देखिए अब यहां पर बात आती है कि मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए तो क्या वो जो पंच है सर उप सरपंच है, अगर मान लीजिए उनको ये लगेगा, अगर उनको लगेगा कि भाई हमें जो है कुछ मौका ही नहीं दिया गया बोलने का, कोई अवसर ही नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, तो नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो चैलेंज कर सकते हैं 7 दिनों के भीतर, जिस दिन मोशन कंप्लीट हो गया, जिस दिन हो गया वोटिंग वगैरह, मान लीजिए उनको हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया, तो क्या करेंगे वो सरपंच या उप सरपंच, क्या करेंगे वो जाएंगे किसके पास, कलेक्टर साहब के पास, कलेक्टर साहब को 7 दिनों के भीतर विद इन 7 डेज क्या करेंगे
एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन देंगे कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब कोशिश करेंगे कि 30 दिनों के भीतर ही उस पर फैसला कर देंगे कि भैया ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इस कारण से सही हुआ या इस कारण से गलत हुआ, वो कलेक्टर साहब जो है उस पर अपना देंगे। और जो कलेक्टर साहब का जो फैसला होगा ना वो अंतिम माना जाएगा, उस पर फिर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर सर का जो फैसला होगा विद इन 30 डेज आने की कोशिश होगी, मतलब कोशिश की जाएगी कि 30 दिनों के अंदर उनको कर दिया जाए उसमें फैसला, और वो जो फैसला होगा ना वो अंतिम होगा। ये तो हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात। अब एक चीज होती है रिकॉलिंग। अच्छा, ये रिकॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये केवल पंचायतों में, यानी जो हमारा निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत स्तर पर ही लागू होता है, ऐसा नहीं कि हर स्तर पर लागू कर दें आप, केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही रिकॉलिंग की व्यवस्था को लागू की। मध्य प्रदेश के अलावा और भी कुछ राज्यों में यह रिकॉलिंग का सिस्टम है, शुरू किया गया है, लेकिन यह मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है। रिकॉलिंग क्या करते हैं इसमें, इसमें देखिए सेक्रेट वैलेट का इस्तेमाल करते हैं। द सेक्रेट बैलेट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्राम सभा। यहां पर फिर ग्राम सभा का रोल आता है। यहां पर जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन बात कर रहे थे तो वहां पर पंच का रोल था, यहां पर रोल है ग्राम सभा का। दो सेक्रेट बैलेट के माध्यम से ग्राम सभा एंड नोटिस साइंड नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य जो है वो नोटिस देंगे, सूचना देंगे, नोटिस देंगे किसको, रिकॉल करने के लिए पंच को या सरपंच को या उपसरपंच को कि भैया आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बाहर आ जाओ, आपको जरूरत नहीं है आपकी। कौन ये 1/3 सदस्य कौन होंगे, ग्राम सभा के 1/3 होंगे। मान लीजिए कि ग्राम सभा में 100 मेंबर है तो 100 का 1/3 मतलब 34 समझ लीजिए, एक तिहाई से थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 34 ले लीजिए। ये क्या करेंगे, नोटिस देंगे, और जैसे ही नोटिस देंगे ना उस नोटिस के बाद वो जो काम रहेगा उनका पंच महोदय का या सरपंच महोदय का या उपसरपंच, वो जो है वो फिर प्रिजाइडिंग नहीं करेंगे, वो फिर सभा वगैरह की बैठक वगैरह नहीं करेंगे, उनको छोड़ देना होगा तत्काल उस मीटिंग वगैरह का। लेकिन ये तो खाली नोटिस हुआ ना, नोटिस से ही तो हटा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, तो मेजोरिटी से उनको हटाना पड़ेगा। वोटिंग होगी, सेक्रेट बैलेट होगा, और सेक्रेट बैलेट में अगर ग्राम सभा के आधे से ज्यादा लोग, मोर देन 50% लोग उनके हटाने के पक्ष में आ गए कि इनको हटा दीजिए, मान लीजिए पंच को हटाना है, सरपंच को हटाना है, उप सरपंच को हटाना है, जो भी जिसको भी रिमूव करना है उनको रिकॉल कर लिया जाएगा, वापस बुला लिया जाएगा, उनको पद से हटा दिया जाएगा। तो दो कंडीशन हो गई इसमें। पहली कंडीशन ये कि इसमें 1/3 लोगों के द्वारा 1/3 जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे वो नोटिस देंगे, और नोटिस जो भी ऑथराइज जो भी व्यक्ति होंगे, अधिकारी होंगे, उनको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हीं को देंगे, जो अधिकारी होंगे, जैसे पिछले केस में आपको बताया कि कलेक्टर के पास जाना होता है, यहां पर भी जो ऑथराइज व्यक्ति होंगे उनको नोटिस देंगे कि भाई हम इनको रिकॉल करना चाहते हैं। तो जो हमारा ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को कैसे रिकॉल किया जाएगा, ये आप अच्छी तरह समझ गए कि जो है पहले तो नोटिस दिया जाएगा, है ना, एक ग्राम सभा के 1/3 सदस्य नोटिस देंगे, उस नोटिस के आधार पर फिर व्यवस्था की जाएगी कि उसके लिए ग्राम सभा की पूरी बैठक बुलाई जाए, फिर उसमें सेक्रेट बैलेट के आधार पर वोटिंग होगी, और सेक्रेट बैलेट के आधार पर जब वोटिंग होगी तो ये देखा जाएगा कि ग्राम सभा की जो कुल संख्या है उस संख्या के आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो रिकॉल करना चाहते हैं, यानी कि उस पंच या सरपंच को हटाना चाहते हैं। तो इस तरह से उनको रिकॉल किया जा सकता है, ठीक। और इसके लिए देखिए एक ग्राम पंचायत में ना एक सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एक कर्मचारी भी होते हैं, उनको कहा जाता है विलेज सेक्रेटरी, ही इज कॉल्ड विलेज सेक्रेटरी, और ये कोई इलेक्टेड व्यक्ति नहीं होते, विलेज सेक्रेटरी इज द अपॉइंटेड पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होते हैं, ठीक। तो ये सब ये व्यवस्था जो करने का काम है ना, जैसे मीटिंग कहाँ होनी है, कैसे होनी है, किसको बुलाना है, किसको नोटिस देना है, वो सब ये विलेज सेक्रेटरी ही करते हैं, ये इनका काम रहता है। तो यहाँ पर रिकॉलिंग की प्रोसेस आपको पता चल गई। अब रिकॉलिंग के अलावा देखिए कंडीशन भी समझना पड़ेगा ना आपको। कंडीशन जो है वो कंडीशन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप रिकॉल कभी भी कर दो, उसमें भी वही नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही रहता है। 2.5 साल का समय कम से कम काम करने का उनको मिलना चाहिए, तो भैया 2.5 साल
साल जो है का 5 साल का टाइम है, तो 2.5 साल के बाद आप रिकॉल करने की प्रोसेस स्टार्ट करिए। दूसरी चीज ये उनमें बोला गया है वही वैसे ही कि भाई अगर मान लीजिए 6 महीने से कम समय बचा हुआ है, लेस देन 6 मंथ, तो फिर रिकॉल सिस्टम करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दो कंडीशन उसमें आ जाते हैं कि एक तो रिकॉलिंग करने की जो प्रक्रिया है आपको जो है आधे समय निकलने के बाद, लगभग 2.5 साल समय निकलने के बाद ही करें, और अगर ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम बचा हुआ है, 6 महीने से कम का बचा हुआ है, तो रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस तरह से ये व्यवस्था इसमें की गई है। अच्छा, जो जिसको आप रिकॉल करते हो क्या उसको मौका है अपनी बात कहने का? हाँ है, इसमें प्रावधान किया गया है। ये क्या कर सकते हैं, जैसे अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन में बताया था, ये 7 दिनों के भीतर, मतलब जिस भी पंच या सरपंच या उप सरपंच को जिनको भी रिकॉल किया गया है और मान लीजिए वो पास भी हो गया, तो वो 7 दिनों के भीतर जो जिले के कलेक्टर हैं उनको जो है एक वो भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो 30 दिनों के भीतर उसके ऊपर अपना फाइनल डिसीजन दे सकते हैं। ये रहता है इनका, अगर रिकॉल का वो पारित हो गया है तो ये इनको चैलेंज करने का मौका है, और जो कलेक्टर साहब का जो डिसीजन होता है ना वो अंतिम होता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज आपको पता चल गई, कार्यकाल 5 साल का होता है ये मालूम ही है ग्राम पंचायत का, है ना। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम सभा के कार्य, रिकॉल की प्रक्रिया, ग्राम सभा के बारे में जानकारी, ये सब चीजों के बारे में अब आपको मालूम पड़ गया है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इनका काम क्या होता है, देखिए ग्राम पंचायत का काम जो है वो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची दी गई है ना, उसमें 29 फंक्शंस दिए गए हैं, उन 29 कार्यों के आधार पर ही इनके काम को आवंटित किया जाता है, इनको काम दिया जाता है। तो जैसे मोटा मोटी तौर पर अगर आप देखें ग्राम पंचायत का काम क्या होगा, भाई गांव में स्वच्छता रहे, सड़क वगैरह की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, यही सब काम होगा ना, और क्या होगा, है ना। सार्वजनिक तालाब वगैरह की सुविधा अच्छी बनी रहे, कॉटेज इंडस्ट्री बेहतर ढंग से चल सके, अगर भारत सरकार का, राज्य सरकार का या जिले जिला प्रशासन का कोई योजना है, कार्यक्रम है, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार नियोजन को लेकर के, फैमिली प्लानिंग वगैरह को लेकर के, वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है, ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, शौचालयों का निर्माण हो गया, सड़कों पुलों इत्यादि की व्यवस्था हो गई, एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था हो गई, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल पार्क बगीचे वगैरह विकसित करने का पंचायत को जिम्मेदारी दी गई है, ये सब चीजों को जो है करने की व्यवस्था की गई। लेकिन एक चीज यहां पर हम बताना भूल गए, देखिए ऐसा नहीं है, इसमें रिजर्वेशन का भी पूरा प्रावधान है, रिजर्वेशन भी प्रॉपर वे में करना होता है। इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जैसे 73वें संविधान संशोधन में जो है व्यवस्था की गई है 243D में आरक्षण का प्रावधान है, 243D में, वैसे ही यहां पर भी जो जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल कास्ट, जनसंख्या के अनुपात में शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा इन रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी। मोटा मोटी तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। साथ में एक चीज बहुत जरूरी है, हर एक कैटेगरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो या सामान्य वर्ग के हो, हर जगह आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। जब संविधान संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन, उसमें 1/3 का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक जो आया तो उसमें उसी समय इनिशियली तो 1/3 रखा गया, लेकिन बाद में 2006-07 में तय किया गया कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है पंचायतों में बढ़ाया जाए, और इसीलिए उन्होंने तय किया कि 50% सीटें हर जो हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, और बाद में जब 2009-10 का चुनाव हुआ तो उसमें लागू भी किया गया। तो आज महिलाओं के लिए जो है 50% सीटें जो है आरक्षित कर दी गई हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। तो यहां पर आप लगभग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत लगभग सारी चीजों को देख लिया, जैसे
लोगों को समस्या कहाँ होती है कि भाई ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होता है, इनकी मीटिंग कैसे होती है, इलेक्शन कैसे होता है, तो ये आपको पता चल गया इलेक्शन कैसे होता है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अलावा आपको ये पता चल गया कि भाई कॉल बैक का सिस्टम जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है, ये व्यवस्था कैसे किया जाता है उसकी प्रोसीजर भी देख लिया, अगर उनको चैलेंज करना होता है वो भी बता दिया, तो और फंक्शंस क्या होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। तो ग्राम पंचायतों के बारे में अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे जनपद पंचायत और जिला परिषद के, जिला पंचायत के बारे में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं। तो आप इस लगातार ये जो सीरीज है पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्थानीय ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन, इसे आप पूरे वीडियोस को अच्छी तरह देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समस्याओं को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।